एवरीवन, दिस इज मी साध्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स इंक्लूड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। इसके अलावा अगर आप यू नो पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। लेकिन रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो कौन सी सर्विसेज कौन सी प्राइस पे हैं, और अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ और वो इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मेरी सिस्टर की टैरो चैनल का लिंक भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके लिए बाकी के महीने में क्या आने वाला है। कैंसेरियंस के लिए यू स्टार्टिंग ऑफ द रिमेनिंग मंथ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। अनदर डेक यू डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्स और Four of Cups. आपकी लाइफ में जो एक चीज जो प्रॉपर वे में चल रही है वो है आपका आप जिस चीज से आप स्टेबिलिटी को यू नो कनेक्ट करते हो। जो लोग स्टेबिलिटी को कनेक्ट करते हैं अपनी लव लाइफ से वो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो लोग स्टेबिलिटी को यू नो रिलेट करते हैं फाइनेंशियल यू नो उससे अबंडेंस से, तो आपकी लाइफ का वो एरिया बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन जहाँ पे बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ आते हैं, घर के मामलात, लव लाइफ, या अगर आप यू नो अगर आप लव लाइफ आपकी स्टेबिलिटी है या आपकी बैकबोन है, तो देन आपके बाकी एरियाज जो आपकी लाइफ के हैं वो काफ़ी अनस्टेबल रहने वाले हैं। जहाँ पे आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे होगे, इंतज़ार कर रहे होगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो आपका करियर जो है वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो उस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यू नो आपको बहुत सारा कुछ चाहिए, लेकिन देर इज़ नो यू नो प्रॉपर प्लान टू गो अबाउट इट। आप एक यू नो आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर विजन नहीं है आपका आपके फ्यूचर को लेकर, जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल होती है डिसाइड करना कि क्या चीज़ आपको पहले करनी है। और प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे आप अपनी लाइफ को, जिसकी वजह से आप यू नो अगर आप एक एरिया में हो इस टाइम पे, आप उसका अपना सारा फोकस उसी एरिया को दे रहे हो, जिसकी वजह से आप बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ को निग्लेक्ट कर रहे हो। इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारा इस टाइम के अंदर काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक कियोटिक है। सिवाय एक एरिया ऑफ योर लाइफ के, बाकी सारी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स प्लस अनसेटलिंग एनर्जीज नज़र आएंगी। आपके घर के मामलात, आपके यू नो लव लाइफ, आपके फाइनेंशियल मैटर्स, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एरिया होगा जिसमें आपको फील हो रहा होगा कि आप स्टेबल हो, बाकी सब में इश्यूज आपको दिखेंगे आपकी लाइफ को लेकर। और जो भी ये इश्यूज हैं, बेसिकली अगर आप इसको मैच्योरली डील करो तो यू कैन फिगर थिंग्स आउट। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसको इमैच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप यू नो यू आर बीइंग वेरी विशफुल अराउंड थिंग्स, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ को यू नो डीक्लटर करने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, उन चीज़ों को लेके आप परेशान ज़रूर होते हो, सोचते ज़रूर हो, लेकिन किस तरह से अपने आप को इस सारी सिचुएशन से निकालना है जो कि आपको बुरा फील करा रही है राइट नाउ, या बाकी के महीने में आपको जो बुरा फील कराएगी, आप उसमें से निकलने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जिसकी वजह से होगा क्या कि आप आपकी लाइफ फुल ऑन इम्बैलेंस में रहने वाली है। और क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से आप मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अपने आप को ऐसे कामों में बिजी करने की कोशिश करेंगे जिससे जिससे आपको आपकी मेंटल हेल्थ को और नुकसान होगा। सो कोशिश करो बजाय इसके कि आप उन चीज़ों से भागो या आप अपनी लाइफ में यू नो सिर्फ सोचों में गुम रहो, इससे अच्छा यह है कि आप अपनी लाइफ को प्लान करो, गोल्स बनाओ। आपको किस स्टेज में, किस टाइम में क्या चाहिए, इस महीने में आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होना चाहिए,
जब आप गोल्स बनाते हो या अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हो चीज़ों को, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको पहले प्रायोरिटी पे करनी है, क्या चीज़ आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, और आप फिर उसकी उसके लिए एक्शन लेना शुरू करते हो, वो भी इंस्पायर्ड एक्शन। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें प्लान्ड आउट नहीं होंगी, तब तक चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। एक लाइफ का एरिया आपका सही चलता रहेगा, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो करियर है, लेकिन उसके अलावा आपकी बाकी पूरी लाइफ जो है वो उथल पुथल उसमें रहेगी, और वो तब तक सही नहीं होगी जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आते, जो कि अभी मिसिंग है। आप जितना मर्जी अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी करने की कोशिश करो, प्रिटेंड करने की कोशिश करो, या ये सोचने की कोशिश करो कि लाइफ जो है वो सही जा रही है, या क्योंकि एक एरिया अच्छा है तो आप सोचो कि बाकी चीज़ें भी वर्कआउट हो जाएंगी, ऐसे नहीं होंगी। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते हो तो एनर्जीज आपकी लाइफ में क्योटिक ही रहेंगी, आपको अंदर ही अंदर एक चीज़ जो है वो खाई चली जाएगी, जिसको आपने खुद वर्क करके अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी विद दीज टू कार्स पेयर अप विद फोर कप्स, इट्स लाइक आप चाहते हो कि ऐसा वैसा हो जाए, लेकिन उसको ऐसा वैसा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जो कि रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, जो नॉट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस नहीं आ पा रहा जो कि होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। ये थी आपकी रीडिंग। इसके साथ हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर। फाइनेंसेस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए आपका फाइनेंसेस, आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप बाकी एरियाज अपनी लाइफ के इग्नोर कर रहे हो या निग्लेक्ट कर रहे हो। अगर तो ऐसा है, अगेन आप कुछ टाइम में खुश रह सकते हो, कुछ टाइम में आपको लगेगा कि लाइफ इज़ गुड, लेकिन जैसा मैंने कहा, डीप डाउन आप अंदर ही अंदर एक चीज़ से इरिटेट होना शुरू हो जाओगे। और लेकिन सिंस आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप कभी इस चीज़ से निकल नहीं सकोगे। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, अगर आप इस क्योटिक सिचुएशन से निकलना चाहते हो जो आप अपने लिए क्रिएट करी जा रहे हो, एक साइकिल में आप बंधे जा रहे हो, अगर आप उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो आप कभी नहीं निकल सकोगे। सेवन ऑफ कप्स, इसके नीचे एक और कार्ड जो है वो सेवन ऑफ कप्स का है, और उसके नीचे फाइव ऑफ कप्स जो कि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। तो अगेन, अगर आप चाहते हो कि आप इस अनहैप्पी अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलो, तो दो चीज़ें करनी है आपको। एक तो जो रियलिटी है उसको फेस करो, और ट्राई करो कि आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेके आओ जो जिसमें आपकी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, हर चीज़ में एक बैलेंस हो। और वर्क करने की कोशिश करो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप गलत कर रहे हो अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते हो, प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ आपने अपनी लाइफ की मामलात को, जिसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं करने को, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं शायद आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो, जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बाकी के महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। आप अपने आप को गलत कामों में, गलत चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश करोगे, और आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुझे जो दिख रहा है, टेंशन, एंग्जाइटी है, अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे, जो मुझे लग नहीं रहा कि आप करोगे, क्योंकि सिचुएशन वो ऐसी ही है कि जहाँ पे आप कोशिश करोगे अपने आप को इट्स मोर लाइक कि अगर अगर मैं जैसे वो कबूतर के बारे में बोला जाता है ना, कि आप आपको अगर कोई वो हो, खतरा हो, तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो और आपको लगता है कि जो खतरा है वो टल गया। आपकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, जबकि इन रियलिटी आपको अच्छे से पता है, डीप डाउन क्योंकि तभी आप सैड होते हो, तभी तभी आप आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड हो अंदर से, जो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। लेकिन आप क्योंकि प्रिटेंड कर रहे हो अपने आप को किसी एक चीज़ में बिजी रखते हुए, तो आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस नहीं ला पाओगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुझे आगे इस बाकी टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को इंडल्ज कर लो, जैसे वन नाइट स्टैंड्स और इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा कोई स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में मुझे आता दिख नहीं रहा, क्योंकि आप खुद से झूठ बोल रहे हो इस सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इट्स इट्स लाइक
सेवन ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो बेसिकली यूजली डिसेप्टिव कार्ड है बेसिकली. नाइन ऑफ वांड्स इज अगेन समथिंग दैट आप अपना गार्ड्स अप किए हुए हो, लेकिन आपको पता है कि जिस जिस बारे में आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिस बारे में जिसको आप फेस नहीं करना चाह रहे हैं, वो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है. आप अपने ही साथ झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्योटिक सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी आने वाले टाइम में. लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा आप यू नो दिल बहलाने के लिए वो जो एक यू नो अपने आप को थोड़ा बिजी कर लोगे कुछ चीज़ों में वो होगा. लेकिन एक एक अगर हम उसकी बात करें ना, एक ये एक टेम्परेरी फिक्स है आपकी लाइफ का, लेकिन आप परमानेंटली इस तरह की सिचुएशन में ऐसे नहीं रह सकते. इसीलिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी लाइफ. उसके अलावा आपको फेस करना पड़ेगा रियलिटी को खुद के साथ. सो देखते हैं एक और कार्ड, लेट्स सी व्हाट इट हैज टू ऐड टू द रीडिंग फॉर कैंसेरियंस फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त. लेट्स सी, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को अपनी सिक्स सेंस या इंट्यूशन लाइक आपको मुझे लगता है कि आपको अगर मैसेजेस मिल भी रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि यू आर बीइंग डिसेप्टिव टू योर सेल्फ. इंट्यूशन आपको यू नो आपको साइंस मिल रहे हैं यू नो यूनिवर्स से, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो. आप जैसा मैंने कहा, आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर लोगे ताकि आप वो चीज़ फील ना कर सको. जब आपको यू आर नॉट फीलिंग राइट, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग. अगर आप अच्छे फील कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ, जो कि मुझे लग नहीं रहा. यहाँ पे आप प्रिटेंड करने की कोशिश करो, लेकिन डीप डाउन यू आर डाइंग फ्रॉम विद इन यू. सो इट्स लाइक यू नो यू रियली हैव टू वर्क टू हील द इनर पार्ट ऑफ यू. लेकिन उसके वो आप तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ को फेस करोगे, अपनी रियलिटी, अपने अपने इनर सेल्फ को फेस करोगे कि क्या है आपकी रियलिटी और आप सीरियसली इस सब से खुश हो या नहीं हो. जब आपको वो क्लैरिटी होगी, जब आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, आप उससे भागने की बजाय उस चीज़ को फेस करोगे कि हाँ आप खुश नहीं हो, हाँ आपको लगता है कि इस लाइफ आपकी लाइफ में किसी चीज़ का लैक है, आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, आप अपने आप को यू नो अपने आप को बिजी रख कर अपने आप को सोच रहे हो कि मैं खुश हूँ या इस तरह की चीज़, आपको चीज़ें फेस करनी है. अगर आप फेस नहीं करोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप काफ़ी सारी चीज़ों में आप अपनी जो आपकी लाइफ में जो क्योटिक सिचुएशंस आने वाली हैं इस बाकी के महीने में, वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, अगेन बाय इग्नोरिंग एंड निग्लेक्टिंग द थिंग्स जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए. लिसन टू योर विस्पर्स ऑफ योर हार्ट, यूज डिविनेशन टूल्स टू हेल्प यू गाइड एंड डिसाइड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन नो मैटर वॉट. जो कि आप अभी नहीं ट्रस्ट कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को, आप नहीं ना तो सुन रहे हो, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो आपको साइंस मिल रहे हैं इनर फ्रॉम योर इनर हायर सेल्फ, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो. और आप जहाँ पे डिसेप्टिवनेस का कार्ड है, वहाँ पे आप खुद को डिसीव कर रहे हो, किसी और को नहीं. सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, किसी और से ट्रू होना दूर की बात है. अगर आपको इस पूरी सिचुएशन में गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो सीक गाइडेंस, मेडिटेट करो, सीक गाइडेंस एंड आपको गाइडेंस मिलेगी. लेकिन अगेन, उसके लिए यू हैव टू स्टे ओपन, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड, टू द यूनिवर्स, टू रिसीव द मैसेजेस. डाउनलोड्स आ रहे होंगे, लेकिन आप उसको रेडी नहीं हो उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को किसी चीज़ में बिजी रखा हुआ है. कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट हो सकता है. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने फाइनेंसेस में अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, करियर, वर्क, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को इग्नोर करके उनको लग रहा है कि हाँ लाइफ इज़ गुड. लेकिन इन एक्चुअलिटी डीप डाउन वो अंदर से जैसे कुड़ना होता है ना, वो चीज़ है कहीं ना कहीं. तो कोशिश करो कि अपने आप को इस डिसेप्टिवनेस से निकालो. अगर आप नहीं निकालोगे, आपकी लाइफ में आगे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका करियर और आपके पैसे आपके पास होंगे, उसके अलावा इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं आ सकेगी. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.